आस्था और विश्वास का दूसरा नाम ही धर्म है। शायद यही कारण है कि एक जापानी पर्यटक हिंदू धर्म के प्रति रामकृष्ण आश्रम के माध्यम से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपने जापानी नाम कनेजी सिमी से हिंदी नाम सुमित रख लिया और पूजा अर्चना उसके नियमित दिनचर्या बन गई और तथा शुद्ध उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र भी धारा प्रवाह पढ़ते हैं। सुमित के भारतीय मित्र खजुराहो निवासी अविनाश तिवारी ने कहा कि इनकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और उस दौरान इनके हिंदुत्व प्रेम को उन्होंने देखा और जाना और समझा तो बहुत अच्छा लगा, जिसके चलते फिर इनसे इनकी मित्रता भी हुई। उन्होंने बताया कि ये बनारस जाकर अभिषेक भी कर चुके हैं और ओम नमः शिवाय तथा जय श्री राम के जाप के साथ हिंदुत्व के प्रति इतनी बहुत गहरी आस्था है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके बच्चों का हिंदू धर्म के प्रति लगाव नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से हिंदू धर्म के लिए समर्पित है। और आज खजुराहो पहुंचकर उन्होंने हनुमान मंदिर में पूरे लगन के साथ पूजा अर्चना भी की। सर, व्हाट इज योर गुड नेम प्लीज? व्हाट इज योर गुड नेम? केंजी सिमी जी। व्हिच कम फ्रॉम? फ्रॉम जापान। सो व्हाई यू take the Hindu religions? Hindu is the most greatest religion in the world. So you like Hindu religion? Yes. So you come in yourself or somebody ask you for Hindu religions? Yes. In yourself? It's my own decision. Your decision? Yes. So you know very well Hindu religions prayer, how can you do? अविनाश तिवारी, ये आपके मित्र जापान से? हाँ, हमारे मित्र हैं जापानी। तो ये कब से हिंदू धर्म की तरफ प्रभावित हुए हैं? 4-5 साल से हिंदुइज्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूजा पाठ एक मंत्र भी गायत्री मंत्र भी इन्होंने सीखा हुआ है, बनारस में और ऋषिकेश में अभिषेक भी करवा चुके हैं। हिंदुइज्म से बहुत प्रभावित हैं। तो अभी खजुराहो हुआ थे तो यहाँ पर सुंदरकांड में भाग लेने। तो क्या ये हिंदू रीति रिवाज की तरह ये पूरा पूजा पाठ करते हैं, जानते हैं सब?